वक्त बड़ी खबर आपको बताएं कि रूस से वैक्सीन की पहली खेप भारत पहुंच गई है। देर शाम हैदराबाद ये खेप पहुंची और बड़ी तादाद में वबाई सूरत हाल में रूस ने भी मदद के लिए जब हाथ बढ़ाया है, आगे आया है, तो इस वक्त जो अब रूस में बनी स्पुतनिक वी वैक्सीन है पहली खेप देर शाम एक खसूसी परवाज से हैदराबाद के शमसाबाद बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंच गई है और पहली खेप में 1,50,000 वैक्सीन पहुंची है। ये तीसरी वैक्सीन है जो भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल की जाएगी, जबकि भारत की ड्रग कंट्रोलर जनरल ने हाल ही में स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है और स्पुतनिक वी की पहली खेप को रूसी वैक्सीन की भारतीय साझेदार डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की सपुर्द की गई है, इसकी मदद से तैयार की गई है और स्पुतनिक वी का पहला जो स्टॉक था वो भारत के अंदर अवेलेबल है, जिसको अब कोविड मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।